छोड़कर सीधे हम इमामत पर पहुंचने की कोशिश करते हैं।
हमारे लिए जरूरी है कि हम उसूल दीन का इल्म हासिल करें, और उसूल दीन में दीन के जो उसूल है उसमें सबसे पहले रखा क्या गया है? तौहीद। तौहीद को हम समझे, तौहीद को आए हम समझ गए हैं, सबसे पहले तौहीद को समझे ना। तौहीद साथी क्या है, तौहीद सिफाती क्या है, तौहीद अफाली क्या है, तौहीद इबादती क्या है कि नहीं, ये बुनियादी चीज है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है मां परवर, ये कह देना काफी नहीं, अल्लाह ये कहे, और अमल से पता चले, हमारी बातों से पता चले अल्लाह ना जाने कितने। सबसे पहली मंजिल क्या है, हम अपने रब को पहचाने। अव्वल इल्म मारिफतुल जब्बार, सबसे पहला इल्म कौन सा है कि हम अपने अल्लाह को पहचाने, अपने परवरदिगार को याद ना करें, याद करिए तो बच्चे को भी याद है, अव्वल तौहीद। सबसे पहले अल्लाह सिफाते सुबूतिया, सिफाते सलबिया, सिफाते सुबूतिया कितने, सिफाते सुबूतिया बच्चों को याद कराया जाता है शुरू में, सिफाते सुबूतिया कितने, आठ, सिफाते सलबिया कितने, आठ, सिफाते सुबूतिया भी आठ, सिफाते सलबिया। अल्लाह को समझना इतना आसान नहीं, अल्लाह की जात को महदूद किया जा सकता है, जाते खुदा को महदूद कर सकते, अगर महदूद कर दिया तो जी, अगर हमने अल्लाह की जात को महदूद कर दिया तो होगा क्या जी, महदूद कर ही नहीं करते। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह की जात को महदूद कर सकते ही नहीं, वो जात लामहदूद है, मैंने सवाल किया ये बताइए सिफाते सुबूतिया है कि नहीं, आपने कहा आज महदूद कैसे किया जाता है बताएं, उसी की जात से उसको एक बार बार सवाल में आप मान और कैसे महदूद करें, जी है ना मकाम पर मैंने क्या कहा, अल्लाह को समझना इतना आसान नहीं। सबसे पहला इल्म है मारे पतुल जब्बा, अपने अल्लाह को पहचाना जाए, हमने अल्लाह को पहचाना और पहुंच गए सीधे कहा इमामत, पहले अल्लाह को पहचाने पर बस सवाल पढ़े जब भी सवाल किया जाता है हमारे यहाँ, ये बताइए कि सवाल है सुबूतिया कितने, सबने कहा आठ, आठ। उसके बाद ये भी कहते हैं कि अल्लाह की जात को हम महदूद कर ही नहीं सकते, और महदूद कर दिया कि आठ है, अगर मकान में बहुत भी नहीं, हकीकत क्या है, सवाल है सब आठ है, और कैसे महदूद करेंगे, और कोई तरीका है महदूद करने का, महदूद कर दिया हमने, देखिए ऐसा है सिफाते सुबूतिया अल्लाह में पाई जाने वाली अच्छाइयां आठ है, यानी हम इतने बड़े हाकिम हो गए कि अब हमसे बता दें कि देखिए अल्लाह के अंदर जो अच्छाइयां मसाजिद से ज्यादा है मैंने सारी अच्छाइयां हमें बता दो अल्लाह के यहाँ, ये आठ अच्छाइयां पाई जाती है, हकीकत क्या है, देखिए ऐसा है कि ये पर सलवात पढ़े आप ना ये होता है बचपना जवानी, फिर इंसान जो है वो शोर की तरफ से पढ़ता रहता है। अगर अब हमसे कोई भी, हमने भी खुद जब दिन याद बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को याद करते थे जो सवादे रुपया आती हैं याद रख दो, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे क्या हम आपसे पूछें तो कभी ना कहिएगा कि सिफाते सुबूतिया,
ये कौन सी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब ये हमें ही नहीं क्या सिफारिश सबूत दिया है अल्लाह ने पाई जाने वाली अच्छाई याद है महदूद करी। जब भी पूछा जाए कि बताएं सिफारिश सबूत दिया कितने हैं, अल्लाह में पाई जाने वाली अच्छाई याद कितनी है, सीधा जवाब कि उसकी अच्छाइयों को कोई गिन सकता ही नहीं। वो अल्लाह वो है कि जिसके यहाँ हर कमाल पाया जाता है, वो हर कमाल का मालिक है। सिफारिश सुन लिया, वो हर कमाल का मालिक है, सारे कमालात जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं वो अल्लाह के यहाँ है, उसका वो मालिक है। सिफारिश सलबिया जितने भी जितनी भी बुराइयां हैं जी, वो हर बुराई से पाक है। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ के हैं साहब, अच्छा थे वहाँ मिंबर पे कुछ खुदबे में कुछ और जब पढ़ाते हैं तो कुछ क्या वाले या दीगर जो किताबों में जैसे तो खुद में पहले ही इब्तदा ही मिलने अगर आप देखेंगे तीसरे तो नहीं पेश बराबर मिल जाएगा। सिफारिश सबूत दिया आज तुम दिनवा भी दिया कदीम कादिर हईम आलिम मुरीद मुदरिक मुतकल्लिम सादिक आज गिना दिए, कहीं उनको भी गिना दिए। अभी मैंने क्या कहा कि तो है बचपना फिर जवानी फिर बुढ़ापा क्या। अब अगर हमसे कोई पूछे हम कभी नहीं कहेंगे यार ना आप कहिएगा। फिर से बात सबूत दिया क्या, अल्लाह वो है जो हर कमाल का मालिक है। सिफारिश सलबिया तमाम उयूब से बुराइयों से पाक के किताब में क्यों लिख दिया गया है, ये दुनिया के बच्चों को पढ़ाया क्यों गया है, आपने भी पढ़ाना। सिफारिश सबूत दिया कितने आज, हमेशा याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा कि एक मतलब सलवात पढ़े आप तमाम बर्दाश्त है ही नहीं, अभी वो हंसने की कुवत नहीं। क्या कहा जब ये बड़ा होगा तो
अपने रवाज से जो है वो निकालेगा खाएगा। और फरमाने याद रखिएगा हमेशा जिस तरीके से इस जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। जिस्मानी ग़िज़ा ये है, हाँ रूहानी ग़िज़ा क्या है? ज़ाहिर सी बात है उसूल दीन का है, फ़ुरूह दीन का है, इल्म अख़लाक, ठीक है ना। उसूल दीन में सबसे पहले तौहीद का इल्म है। मैंने क्या कहा, उलमा ने क्या कहा, सिफ़ातें सुबूतिया आग है दुनिया में, बच्चों की किताबों में खुतबा बतूला वहाँ में क्या 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 कभी देखिए ऐसा है कि सिफ़ातें सुबूतिया आग है। क्या मतलब, यानी सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं याद रखो ये बचपना है, पहले इन आग को समझ लो, जब शोर की मंजिल पर पहुँच के खुद समझ में आ जाएगा कि अल्लाह वो है कि जिसके यहाँ बेहतरीन से बात ही पाए जाते हैं, उनके से बात को कोई गिन सकता ही नहीं। ये बचपना है, पहले बच्चा ये तो समझ ली ना, इसलिए कहा क्या गया है उसकी सिफतों को उसकी अच्छाइयों को कोई गिन सकता ही नहीं, उनमें से मखसूस आज के पहले अब पहले ही बता दिया गया ये सिफत ये सिफत ये सिफत ये सिफत ये सिफत उसके पहली कौन के शादी कौन के घबरा कर भी क्या है भले आज जब ये समझ में आ जाए, जब पहुंचेगा उस मंजिल पर बड़ा हो जाएगा तो खुद जो है तहकीक करेगा कि अल्लाह की जात को महदूद हो ही नहीं सकती, ये कैसे मुमकिन है कि बस अल्लाह के हाथ ही अच्छाइयां हो, नहीं। और रमान के मतलब सलावत पढ़े आप अल्लाह हमें इबादत करना है, मकसद ये खिलाफत है क्या जी? अब इतना तो समझ में आ गया ना जी, सिफातें सबूत दिया उसकी अच्छाइयों को कोई गिन नहीं सकता, वो हर कमाल का मालिक है। सिफात सबूत याद क्यों आ गया, बच्चों को समझाने के लिए, जब बड़े होंगे तो खुद जो है गौर करेंगे आज की क्या के लिए भाई सिफात सलबिया बच्चों को सिखाने के लिए याद याद कराएं, लेकिन उसके यहाँ कोई ऐब नहीं पाया ना, वो हर ऐब से हर बुराई से पाक है। उसके बाद जब मंजिल आ जाती है तौहीद ज़ाती तौहीद सिफाती तौहीद अफ़ाली तौहीद इबादती, उस पर सिफात सबूतिया में कौन सी सिफत ज़ाती है कौन सी सिफत जो है वो फ़ेली है, इस पर जो है आप अगर गौर कर दे रहे हो तो गौर करेंगे तो आपको मालूम हो सकता है अल्लाह को समझना, उसी अल्लाह की समझने के बाद अब इबादत करें ना। अभी बात अल्लाह ने कही हमने पैदा किस लिए किया है, पाया थोड़ा सा जिन्ना वाला हमने जिन्हों इसको पैदा ही नहीं किया मगर सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। अच्छा देखिए अब इसके बाद अभी आए अब ये बंदों की नालायकी होता है ना कि भाई जब इंसान जो है कोई कुछ करता है ना प्राइस पर बोलता है झगड़े चाहे इसमें लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा जो शिद्दत से भी फायदा है होता है कि नहीं भाई की तरफ फायदे की तरफ भागना नुकसान से दूर रहना किसी को नहीं, ये काम है बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से ताकत के साथ क्या लगता है कोई फायदा है अल्लाह को मालूम है हमारे बंदू भी बहुत से ऐसे रहेंगे नालायक अल्लाह जो है वो गर्ज फिलकत ही बयान कर रहा है इबादत इसमें अल्लाह को कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। तो बहुत से बंदे ऐसे होंगे तो सोचेंगे अरे अल्लाह ने इबादत जो हो गया जरूर इसमें जो है अल्लाह का कोई ना कोई फायदा होगा, तभी तो कह रहा है हमने तुम्हें पैदा किया है इबादत के लिए, मकसद फिलकत इबादत को करा दे रहा है, इसका मतलब अल्लाह का इबादत फायदा है अल्लाह को कहना ऐसा है क्या भाई? हम अगर इबादत का हुक्म दे रहे हैं इबादत का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि इसमें हमारा फायदा नहीं, हम थोड़ी ना तुमसे खाना चाहते हैं, हमने क्यों तुमसे कहा कि हमें तुम रिस्क दो,
हमने कल कहा कि तुम हमें खाना खिलाओ, ना हम रिज़्क के तलबगार हैं ना हम तुमसे खाना चाहेंगे। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल कुव्वतिल मतीन, रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है, वो साहिब कुव्वत है, साहिब ताकत है, वो जबरदस्त है। क्या मतलब? यानी अल्लाह को वादे करना पड़ा ये मत समझना कि अगर मैंने इबादत का हुक्म दिया है तुम्हें तो इस इबादत में हमारा कोई फायदा है। हमसे रिस्क नहीं चाहते, हम तुझे खाना नहीं चाहते, राजिक हम है, राजिक कौन है? हम अल्लाह को देंगे कि हमारी बात है क्या? हम अल्लाह को खाना खिलाएंगे? हम अल्लाह को रिस्क देंगे? राजिक कौन है? अगर आज हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह हमें दे रहा है, रिस्क देने वाला कौन है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। तो वैसे मैं तुमसे कुछ मांग मांग नहीं रहा हूँ, तुम क्या दोगे मुझे? रिस्क तुम नहीं दे सके, मैं राजी हूँ, तुम मुझे क्या दिलाओगे? काम थोड़ी ना मुझे मांगो, खाना थोड़ी ना मांग रहा हूँ, फिर मैं राजी हूँ। और बल्कि जितने भी जमीन पर चलने वाले हैं सबका राजिक मैं हूँ, सबके रिस्क का जामिन मैं हूँ। रिस्क का जामिन है कौन? अल्लाह। अल्लाह का काम क्या है? रिस्क देना। बंदों का काम क्या है? पहला जामिन है हमारे हम राजी करें, रिस्क का जामिन है कौन? अल्लाह। अल्लाह हमें रिस्क देने वाला है। उसने जमानत में भी घबराने, जमीन पर जितने चलने वाले हैं सबके रिस्क की जमानत में ले रहा हूं, मैं हूं जामिन, मैं दूंगा रिस्क। तो उसका काम है रिस्क देना। हमारा काम क्या है? हमारा मतलब कुल जिन्ना वाली इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने तो फायदा ही मेरे से इसलिए के बाद हमारा काम है इबादत करना, उसका काम है रिस्क देना। राइज बात हमें करना क्या चाहिए जी? अपना काम छोड़कर अल्लाह के काम के पीछे जो है एक मरतबा सवाल हो गया। लेकिन आप सोचेंगे ये क्या भाई, अब हम रिस्क के पीछे भागे ही ना, रिस्क हासिल करे ही ना। और तुम्हारे देखिए ऐसा है, मैंने इससे पहले भी कभी कहा था कि याद रखिएगा, रिस्क की कई किस्में, रिस्क की एक किस्में, एक है रिज़्क मज़मून, इसका ज़मीन है अल्लाह, हम देंगे तुम्हें, दे रहा है। इसके बारे में खुद रसूल इस्लाम फरमाए या अबासर, ऐ हुज़ूर याद रखो, अगर इंसान रिज़्क से भागे, अगर इंसान रिज़्क से भागे तो ये रिज़्क जो है उस तक उसी तरह पहुंचेगा जैसे मौत उस तक पहुंच जाती है। अगर ये इंसान जो है रिज़्क से भागे ये रिज़्क उस तक पहुंच जाएगा, किस तरह जैसे मौत उस तक, कहीं भी चले जाए मौत तो पहुंच कर रहेगी ना, कि नहीं पहुंच पाएगी? जिस तरह मौत हम तक पहुंच जाती है कहीं भी चले जाए हमारा रिज़्क भी हम तक पहुंच कर रहेगा चाहे जो हो जाए। अब वो रिज़्क जिसका ज़ामिन अल्लाह है उसके बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। एक रिज़्क ये होगा नहीं मजा है वो वाक़े जनाब मूसा का आपने सुना है? नहीं सुना? एक मतलब सलावत पढ़े। मैंने किसी मजलिसी में जो है जनाब मूसा बैठे हुए आ गए हजरत इब्राहिम सलाम, वहाँ खैरियत कैसे आना हो भाई, मुलाकात के लिए आए हैं? नहीं मुलाकात के लिए नहीं, मलकुल मौत इब्राहिम मुलाकात ज्यादा दीदारों वाले के कुछ बातचीत करना, फिर आपकी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं। इब्राहिम ने कहा अच्छा रूह कब्ज कर थोड़ी सी मोहलत देंगे ना, काय की मोहलत, चाहे जरा अपनी वालदा से अपने बच्चों से जो है घर वालों से मिलाएं, मोहलत वोलत मिलने वाली है बस आ गए हैं लेकर जाएंगे। इसी तरीके से मैंने मूसा ने जब यार मैं एक सज्जे की जो इजाज़त दे दो भाई न जाने दो घर अभी कितना नहीं सज्जे में सर का परवरदिगार है अल्लाह इज़राइल को कह इजाज़त दे दें हम जाएंगे घर वालों से मिलाने।
पूरे जाओ इजाजत दे दी अल्लाह के इज्जत से अल्लाह को हो जाए जाओ इजाजत मिल गए मास के अम्मा जा रहे हैं उस सफर पर जहाँ से वापस आने वाले हैं ही नहीं बच्चों से मिलकर जो रो रहे हैं एक बच्चा का बच्चा ऊपर ये बच्चा रो रहे हैं अब नहीं मूसा मेरे कलीम का है के लिए रो रहे भाई हैं ये मेरे कलीम का है के लिए रो रहे क्या परवरदिगार हम तो इसलिए रहे हैं कि इजराइल आ गए हैं अभी जो है वो आखिरी सफर जाना है हम रोज रहे इन बच्चों की मोहब्बत अब हमारे बाद इनका सहारा कौन कौन देखेगा यतीम हो जाएंगे बच्चे एक मतबा जैसे मूसा की जबान से अल्लाह ने कहा मूसा ये जो डंडा दिया है ना छोटा हंसा लम्मा तो जमीन पर हमारा एक जमीन फटी नीचे दलिया और बनेगा दलिया है दलिया पर मारो दलिया पर मारा दलिया फटा नीचे क्या देखा एक सफेद पत्थर का परवरदिगार पत्थर मूसा ऐसे मेरे गलीम पत्थर पर मारो अब जनाबे मूसा ने पत्थर पर मारा आसा मारा पत्थर पड़ा क्या देखा एक कमजोर सा बारीक सा कीड़ा है मुंह में सब बनता है परवरदिगार क्या ए मूसा जरा गौर करो दरिया की तह में एक सफेद पत्थर के दरमियान एक कमजोर सा कीड़ा है जब मैं इसे रिस्क देना नहीं भूलता तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे भूख जाऊंगा मैं जरूर रिस्क दूंगा अल्लाह ने वादा किया है कि जमीन पर जितने भी चलने वाले हैं सबके रिस्क का जामिन मैं हूँ देगा जिसे तुम तलब करते हो रिज़्क़ुन यतलुबु और एक रिस्क है जो तुम्हें तलब करता है एक रिस्क है जिसकी तलाश में हमें हम हासिल करना चाहते हैं एक रिस्क वो है जो हमारी तलाश मौला ने फरमाया कि आप को जिस रिस्क की तलाश में तुम हो सकता है कि तुम्हें मिले या ना मिले लेकिन वो रिस्क जो तुम्हारी तलाश में है वो तुम तक पहुंच कर रहेगा बेशक 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 क्यों इसलिए कि मौला कायनात ने फरमाया है हर इंसान के रिस्क को अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है जिस तरीके से मौत मुकद्दर कर यही वजह है एक मरतबा सलो हाथ पड़े आप और उसके बाद ये रिस्क का पहला मरला रिस्क मजमून अल्लाह ने जमानत दी बिल्कुल देगा रिस्क की दूसरी किस्म है ना जी लेकिन दूसरी किस्म है वो रिस्क के जिसका वादा अल्लाह ने किया कि जब वो ऐसा है तकवा अख्तियार करो परहेजगार बन जाओ मैं तुम्हें दूंगा वहाँ से दूंगा जहाँ से तुमने सोचा नहीं क्या बात ठीक है रिस्क की दूसरी रिस्क की तीसरी किस्म क्या है मजमून अल्लाह ने जमानत ली है तकवे की बुनियाद पर परहेजगारी की बुनियाद पर वहाँ से देगा जहाँ से सोचा नहीं है तीसरी किस्म है रिस्क की रिज़्क मक़सूम अरे देखा अरे वाह अल्लाह ने इनको इतना दे दिया है आप भी चाहते हैं जरूरत से ज्यादा मेहनत करें पहला रिज़्क रिश्ते में अल्लाह नामी ने अल्लाह ने वादा किया है देंगे तो अल्लाह जरूर देगा कहीं भी चले जाए दूसरा रिज़्क तक़वे की बुनियाद पर परहेजगारी की बुनियाद पर अल्लाह देगा अब अगर हम ज्यादा चाहते हैं परवरदिगार हमें और ज्यादा चाहते हो तो देखो ऐसा है कि देंगे लेकिन शर्त है सही करनी पड़ेगी कोशिश कसम मार निकलना पड़ेगा घर से कारीगर बन जाओ मेहनत करो मजदूरी करो तिजारत करो यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम ज्यादा चाहते हैं तो हमें घर में लेटने से मिलने वाला नहीं है घर में लेकर परवरदिगार है मेरे अल्लाह है मेरे परवरदिगार हमें हमारा हमें मिलकर रहेगा वो जामिन है वो देगा जी ठीक है ना और मैंने तीन चीजें हैं एक चीज है हर इंसान को न
मुमकिन कर रहे हैं, कहीं भी चले जाए दुनिया में कोई नहीं। दूसरी चीज़ जानते हैं, हमारे आमाल की जदा तीन चीज़ें हैं जो हर इंसान को मिलेगी। हाँ, कुछ भी हो मिलनी ही मिलनी है, रिस्क हमारा हमें मिलकर रहेगा। आमाल की जदा हमें जामिन इसका जरूरत जो किया है जैसा किया है जी जदा मिलनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ जानते कौन सी है, है कि नहीं, रिस्क हमारा हमें मिलकर रहेगा। आमाल की जजा वाकई बहुत से बतौर मिसाल एक नंबर हो गया है। इस चीज़ क्या है कि हर इंसान को मिलकर रहेगा। तीसरी चीज़ कौन सा, रिस्क मिलकर रहेगा, आमाल की जजा मिलकर रहेगी। तीसरी चीज़ कौन सी है जी, जजा में सजा दोनों होगी ना, आमाल की। तीसरी चीज़ है मौत। मौत कानी यानी है, दुनिया में अगर है तो हमें रिस्क मिलेगा, अमाल की जजा जैसे अमाल है जी। अच्छा, अच्छे अमाल है तो बदला अच्छा, और अगर बुरे अमाल तो सजा जी। और बहुत से लोगों को जो है अमाल के अगर बुरे अमाल है तो जी उसकी सजा भी इस दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी। अब अगर हम चाहते हैं जो है मौत सबको आनी, मैंने बताया तो मौत से कोई नहीं मर सकता। अभी जो है परसों ही आपने जो है क्या नाम के काना दिया है, एक मोमिना को जो है उनकी मंजिल पर जो है कब्रस्तान पर पहुँचाया भी उन्हीं की सारे सवाल की जो बाद नमाज जुमा जो है मस्जिद से की गई है, मस्जिद से की आप हजरात जो हमने ये साल बनाए हैं। तो हमको भी याद रखना है जब अगर कोई जा रहा है दुनिया से तो हमें भी जाना है, मौत आनी ही आनी है। हमारा रिश्ते कहीं तो हमें मिलकर रहेगा। अब जैसे कि अमाल हमने किए हैं अच्छे किए हैं तो बेहतरीन जजा, और अगर हमारे अमाल बुरे हैं तो सजा हमें मिलकर रहेगी। और हमारे और जाना हमको आखिरत में गए और आखिरत में जब पहुँचेंगे तो अल्लाह जो ये सूरत देखने वाला नहीं है, क्या देखेगा, बारह का है कुरान ने बार बार क्या आपको सूरा याद हो गया बताने की जरूरत नहीं। देखो ऐसा है, मैं जमाने को रवा बनाकर कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ, पूरी इंसानियत सारी दुनिया का इंसान सारे में है, घाटे में है, सब कुछ जानने में डाल देंगे, फायदे में कौन रहेगा, जन्नत में किसे डालेंगे। तब लोग ईमान लेकर आए हैं, साहिबान ईमान है, और जो आमाले सालिहान जान दे रहे हैं उस पर सदा में अगर मुसीबत पड़े तो राइस बात है हम चलते रहें और सब्र करते रहें। कुरान यही कहा है, बारह सुन लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्रिल्लज़ीना जबकि खुश रहीना सालिहात हकी तवासो बिस सब्र।